हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉरकास्टिंग। क्या है कॉन्सेप्ट फॉरकास्टिंग का, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस और प्रोसेस कंप्लीट किया था। ठीक है, तो मैनेज MBO क्या है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। MBO इज अ डायनामिक सिस्टम विच सीक टू इंटीग्रेट द कंपनी नीड टू क्लैरिफाई एंड अचीव इट्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ विद द मैनेजर नीड टू कंट्रीब्यूट टू डेवलप हिमसेल्फ। सो इट इज डिमांडिंग एंड रिवॉर्डिंग स्टाइल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस। ओके, प्रोसेस ऑफ MBO स्टार्ट विद द गोल सेटिंग, डिफाइनिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंटल यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, establishing individual targets. Okay, after that next one is developing action plan, implementing plan, periodic review और last one is appraising overall performance. तो ये क्या है, पूरा MBO का यानी कि management by objective का process है, जहाँ हम goal को set करते हैं और finally फिर उन goals को properly evaluate करते हैं और performance appraisal को यहाँ पे हम consider कर रहे हैं। ठीक है, जो तो last step है MBO का वो यही है, appraising overall performance. Okay, so at the last final performance is evaluated against the targets. Okay, now today's session is based on forecasting. Forecasting is related to planning, decision making. Okay, so let's cover. मैनेजर प्लान देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन इन फ्यूचर। ओके, अगर हम फॉरकास्टिंग की बात कर रहे हैं तो फॉरकास्टिंग क्या है, फॉरकास्टिंग इज रिलेट टू फ्यूचर इवेंट्स, व्हाट विल बी हैपन इन द फ्यूचर दैट वी आर डिस्कसिंग एंड थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रेजेंट और पास्ट इवेंट। ठीक है, जो भी फॉरकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है फ्यूचर थिंकिंग से, यानी कि फ्यूचर के बारे में आप क्या कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हो कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट, यानी कि पास्ट में जो भी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हुई हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हुई हैं, प्रेजेंट में जो भी चीजें हो रही हैं उसके बेसिस पे आप फ्यूचर को क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो वो क्या है, फॉरकास्टिंग है। ओके, सो मैनेजर प्लान देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रेडिक्शन, यहाँ पे वो प्रिडिक्ट कर रहा है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई अगर प्रेजेंट में हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फेस कर रहे हैं या फिर इस तरीके की सिचुएशंस अराइज है तो इस अकॉर्डिंग टू दिस फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हमारा बिजनेस कहाँ पे किस सिचुएशन को फेस करने वाला है या कौन सी प्रैक्टिसेस हमारे सामने आने वाली हैं, किस तरीके की सिचुएशंस अकर होने वाली है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वही क्या है, वही फॉरकास्टिंग है। फॉरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रेलिवेंट इवेंट ऑफ फ्यूचर। ओके, यानी कि जो भी फ्यूचर में होने वाला है, जो भी फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं उसको आप एस्टिमेट कर रहे हो बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ देयर पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर के हिसाब से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, दैट इज फॉरकास्टिंग। ठीक है, जैसे कि सपोज अभी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ। ओके, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें मैं फेस कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बिजनेस का एक तरीके से क्या सिनेरियो चल रहा है आज के टाइम में, किस तरीके से हमें अपनी बेस्ट सर्विसेज देनी है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव होना है तो हमें किस तरीके से इनिशिएट लेना है। ठीक है, किस तरीके से जो भी हमें टास्क दिए जा रहे हैं उनको कंप्लीट करना है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुझे अपनी जॉब को सस्टेन करने के लिए। ओके, तो उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस होना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा जो कि आपने प्रेजेंट पे एक्सपीरियंस किया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके बेसिस पे आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, तो वही चीज़ वो भी क्या है, फॉरकास्टिंग है, यानी कि जो भी सिचुएशंस, जो भी कंडीशंस आप प्रेजेंट टाइम में है या पास्ट या प्रेजेंट में जो भी आपने एक्सपीरियंस की है उसके बेसिस पे अगर फ्यूचर के बारे में आप कुछ भी थिंकिंग कर रहे हो जो कि आपसे रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर एनवायरमेंट की बात करें, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो क्या है, फॉरकास्टिंग, उसको क्या कहते हैं हम, फॉरकास्टिंग कहते हैं।
So forecasting shows that they know something of future happening even before actually things happen. ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जो भी होने फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉरकास्टिंग. सो फॉरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रेलिवेंट इवेंट ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ देयर पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ फॉरकास्टिंग. फीचर्स ऑफ फॉरकास्टिंग, सो व्हाट आर द मेन फीचर्स. फॉरकास्टिंग रिलेट टू फ्यूचर इवेंट. फर्स्ट फीचर क्या है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है फॉरकास्टिंग जो रिलेटेड है वो किस है, फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है. यानी कि फ्यूचर को आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से थिंक आउट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. यानी कि जो भी चीजें हैं फ्यूचर प्रैक्टिसेस के हिसाब से हैं. फॉरकास्टिंग रिलेट टू फ्यूचर इवेंट. दिस इज नीडेड फॉर प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज इट डिवाइज्ड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि भाई आगे हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को प्रोसीड करना है, किस तरीके की प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी है. तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें किससे रिलेटेड है, फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है. तो पहला स्टेप यही है, पहला फर्स्ट पॉइंट फॉरकास्टिंग रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट. ओके, सेकेंड वन फॉरकास्टिंग डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट. यानी कि एक तरीके से जो चीजें होने वाली हैं हम उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर, जो चीजें हमें ज्यादा मैक्सिमम जिनके चांसेस ज्यादा हैं, तो वही चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं. फॉरकास्टिंग डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. देयरफॉर हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट कैन बी प्रिसाइज ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट. ओके, थर्ड वन इज फॉरकास्टिंग इज मेड बाय एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट रेलिवेंट इवेंट. यानी कि एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, जो पास्ट में हमने चीजों के एक्सपीरियंस किया और प्रेजेंट में जो चीजें अकर हो रही हैं उनको हम प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई अब अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस हमने फेस की हैं, इस तरीके का एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, तो इसके हिसाब से फ्यूचर में अब क्या हो सकता है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप वहां पे डिस्कस कर रहे हो. तो सो एनालिसिस पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट, सॉरी पास्ट एंड प्रेजेंट. That is taking those factors which are relevant for functioning of the organizations. ठीक है, और next one है use of various technical statistical tool and technique. Okay. As well as personal observation can also help in this process. So these are the features of forecasting. Next one hai, forecasting is the process of predicting future conditions that influence, guide activities, behavior and performance of the organization. Whatever we are thinking, whatever we are predicting, तो जो भी हम prediction कर रहे हैं वो हमें हमारे business को क्या कर रहा है, एक तरीके से guide कर रहा है. जो भी activities, जो भी function हमें perform करने हैं उनको guide कर रहा है. जो भी हमारा behavior है उसको guide कर रहा है और organization की performance के लिए क्या है वो एक तरीके से better source का काम कर रहा है. ठीक है, तो जो भी हम predict करते हैं कहीं ना कहीं उसको हम अपने जो फ्यूचर में जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं.
ताकि हम बेटर तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से आपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करा, पर उसके हिसाब से आप अपने आप को क्या कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं फॉरकास्टिंग आपको डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, फॉर द गाइडिंग द एक्टिविटीज, गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करती है कि भी किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंसर्न एज अ फॉरकास्टिंग। ठीक है, सो दैट्स राइट, फॉरकास्टिंग क्या कर रहा है, आपको गाइड करता है, आपको एडवाइस करता है, आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, फॉरकास्टिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर इवेंट। फॉरकास्टिंग इज डन बाय एनालिसिस, एनालाइजिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। फॉरकास्टिंग आर मेड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा को प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो और उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो। ओके, चाहे हम इंटरनल की बात करें, चाहे हम एक्सटर्नल की बात करें। एज वेल एज फॉरकास्ट मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट टेंड टू लेस एक्यूरेट शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग है वो लेस एक्यूरेट रहती है अगर हम शॉर्ट टर्म की फॉरकास्टिंग कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज टुडे सेशन, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन फॉरकास्टिंग। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। प्लानिंग और फॉरकास्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन और ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।